जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की इस क्लास में हम डोमेस्टिक एक्सरसाइज पर्वत प्रहार के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे कंट्री के स्ट्रेंथ सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी हमारे SSB क्रैक एग्जाम के SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू क्लासेस मिलेंगी और आपको इस कोर्स में 1 ईयर का फुल एक्सेस दिया जाएगा। तो आप सभी लिंक के गो थ्रू होइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी एनहेंस करिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज पर्वत प्रहार की, अभी हाल ही में 10 सितंबर को इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया और इस लद्दाख के दौरे में उन्होंने एक्सरसाइज पर्वत प्रहार का रिव्यू भी किया, जिसको हमारी नॉर्दर्न आर्मी कमांड की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इस एक्सरसाइज पर्वत प्रहार में भारतीय सेना की तरफ से K9 वज होविजर, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और भी अदर फायर जितने भी हमारे डिफेंस सिस्टम होते हैं उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज पर्वत प्रहार की नीड क्या हुई, क्यों पड़ी, तो आप सभी जानते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में 16th लेवल की मिलिट्री टेबल टॉक आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी और दोनों ही देश 16th इस टेबल टॉक के बाद इस बात पर राजी हुए कि ये गोगरा हॉट स्प्रिंग से अपने देशों की सेनाएं हटाएंगे। और इसी बात का जायजा लेने के लिए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल पांडे वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। अगर हम पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात कर लें तो देखिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपके एक ऐसे डिमार्केशन होते हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं स्टिपुलेटेड टाइम में आपकी पेट्रोलिंग किया करती हैं, जिनको हम PP के नाम से जानते हैं। और इस बार का डिसएंगेजमेंट पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जिसको गोगरा हॉटस्पॉट कहा जाता है, वहां से किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो आपकी बाउंड्री डिमार्केशन है उसको हम LAC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ करता है। दोनों देशों के बीच इस आपके पॉइंट्स में रेगुलर पेट्रोलिंग की जाती है और हमने जैसा कि देखा था कि वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच जो है आपका हिंसक झड़प भी हुई थी, जहां पर चाइना को काफी आपका नुकसान झेलना पड़ा था। इस एक्सरसाइज की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। इस एक्सरसाइज का कंडक्शन लद्दाख में आपके सी लेवल से 14,000 फीट के ऊपर आपका किया गया, जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से चिनूक और K9 वज होविजर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ इंडियन आर्मी के जितने भी आपकी फायर पावर आर्टिलरी गन्स हैं उनका भी बखूबी यूज इसमें किया गया है। और इसी के पैरेलल हमारी वेस्टर्न कमांड ने आपका एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक भी आपका कंडक्ट किया और दोनों ही आपकी जो एक्सरसाइज है, वेदर दे आर दी एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक और दी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, बोथ आर दी डोमेस्टिक एक्सरसाइज। ओके, और ये आपकी एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक को हमारे स्ट्राइक कोर के द्वारा कंडक्ट किया गया है। और आप सभी जानते हो कि हमारे इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड्स हैं। अगर हम नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की बात करें तो देखिए इस कमांड के द्वारा ही अभी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार का कंडक्शन किया गया था। इसकी सबसे पहली एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा 1908 में आपकी करवाई गई थी, लेकिन 1947 जब आपका भारत इंडिपेंडेंस हुआ तो इसको आपका स्क्रैप कर दिया, लेकिन एक बार फिर से इसको रीरीज्ड 1972 में किया गया था। इसका टाइप एक कमांड है, इसका हेडक्वार्टर आपके जम्मू के उधमपुर में स्थित है। मोटो नॉर्दर्न आर्मी का, नॉर्दर्न कमांड का फॉर एवर इन ऑपरेशन है और अभी के इसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अति विशिष्ट सेवा मेडल है। नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत आपकी 3 मेन कोर्स आती हैं, जिसमें आपकी 14, 15 और 16 कोर्स हैं। 14 कोर्स को फायर एंड फ्यूरी के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपके ले और लद्दाख में है और इसी ने आपके इस एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को कंडक्ट किया है। दूसरी कोर 15 कोर, जिसको चिनार कोर्स के नाम से जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। वहीं आपका 16 कोर, जिसको हम व्हाइट नाइट कोर के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपके जम्मू कश्मीर के नगरोटा में स्थित है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को कंडक्ट किया गया और चीन को चेतावनी दी गई कि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से किसी भी टेरेन किसी भी हालात में आपसे मुकाबला करने के लिए सक्षम है।
अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में इनरोल होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि रिटन कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम NDA, CDS, MNS, टेरिटोरियल आर्मी सभी एग्जाम्स को लेकर आए हुए हैं, जहां पर आप अपनी तैयारी बेहतर करेंगे। और इनरोल होने से पहले आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे आपको मिल जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।